नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के साथ मैं हूँ किरण, और 17 तारीख की शाम फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में सबसे पहले पूरे आलो वासियों को ये खबर एक खुशखबरी के तौर पे आप सभी को देना चाहूंगा। जी हाँ, आलो वासियों को मिल चुका है जिसका काफी दिनों से लोगों को इंतजार था। हाल ही में आपने देखा था वन विभाग यानी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से आलो शहर के जो डबल लेन हाईवे है इसके बीचों बीच मौजूद जो ये डिवाइडर है यहाँ पे खूबसूरत प्लांटिंग फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के तरफ से किया गया था। और ठीक अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, आप सभी को बता दूं अभी जिस उजाले में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे आप सड़क पे उजाला देख रहे हैं। ये कोई नॉर्मल हाउस लाइन नहीं है जो बिजली विभाग के तरफ से हमारे घरों तक जो बिजली आती है उस बिजली के रोशनी में मैं खड़ा नहीं हूँ। जी हाँ, आप सभी को बता दूं आलो शहर के इस बीचों बीच से होकर गुजरने वाले हाईवे के डिवाइडर पे लग चुका है पहला स्ट्रीट लाइट का खंबा और अब वो बिजली देने लगी है जिसकी रोशनी के नीचे मैं इस वक्त खड़ा हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला खंबा लग चुका है, अब दूसरे खंबे की दूसरे पोल के लगने की तैयारी है। और जिस तरह का रोशनी आप यहां पे देख सकते हैं दोनों ही तरफ दाएं और बाएं तरफ काफी रोशनी है। सोलर प्लेट वाला ये पैनल है, बहुत ही अच्छे तरीके से पहला पैनल कामयाब तरीके से लगाया गया। और ये खुशखबरी आलो शहर के तमाम लोगों को, वेस्ट सियांग जिले के लोगों को हम देना चाहेंगे फ्रीडम न्यूज अरुणाचल के तरफ से कि आने वाले दिनों में जब ये खत्म हो जाएगा, ये पोल लगना, इलेक्ट्रिक पोल बिजली का खंबा लगना खत्म हो जाएगा और सब कतार से जब ये रात को जलने लगेगा तो यकीनन आलो शहर अरुणाचल प्रदेश का सबसे ज्यादा खूबसूरत हेडक्वार्टर, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, जिला मुख्यालय आलो बनने वाला है। से मैं यही खुशखबरी हम देने के लिए आए थे। इसी खुशखबरी को देते हुए तमाम जितने भी जनता है उनसे हम रिक्वेस्ट भी करना चाहेंगे जब तक ये काम जो है चलता रहेगा पूरा ये जो काम है खत्म होने तक, जिस तरह से आप देख रहे हैं गाड़ियां उस तरफ से आना जाना कर रही है, इस लेन को बंद करके रखा गया है ताकि यहाँ से गाड़ियां नहीं आ जा सके और काम करने वालों को कोई दिक्कत ना हो। कुछ दिनों का इनकन्वीनियंस होगा पब्लिक के लिए, कुछ ही दिनों की बात है, जब ये काम खत्म हो जाएगा तो फिर ट्रैफिक जो है वो नॉर्मल हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि पहला बिजली का खंबा इस डिवाइडर में किस तरह से लगाया गया और इस खंबे को लगाने के लिए जो जमीनी स्तर पे यहाँ पे ग्राउंड में इसे जो रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं उनसे भी हम मुलाकात करवाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इसकी कुछ डिटेल्स की ये काम जो है कब तक खत्म होगा और कब तक पूरी तरह से आलो शहर के लोगों को स्ट्रीट लाइट बनकर ये तैयार मिलेगा। सर, सारे आलोवासी के साथ साथ आप दोनों को भी कंग्रेचुलेशन। सर, खुशखबरी हम सुना रहे हैं आलोवासी को, ग्राउंड लेवल पे आप लोग रियलिटी में तब्दील कर रहे हैं, किस तरह से सर इस खुशखबरी को आप देना चाहेंगे आलोवासी को, वेस्ट सियांग वासी को? सर थैंक यू किरण जी। अभी जितना हो सकेगा हम लोग जो स्ट्रीट लाइट जो है ये पावर डिपार्टमेंट ये थ्रू से हम लोग जितना हो सकेगा इंस्टॉलेशन शुरू हो गया। अभी मई फर्स्ट वीक तक हम लोग का पूरा कंप्लीट होना चाहिए। अभी आज से लेके हम लोग शुरू हो गया और ये आलोवासी के लिए बहुत सा खुशखबरी है। रात को भी वॉकिंग करने से भी, दिन को भी करने से भी कोई दिक्कत नहीं रहेगा। टाउन जहाँ जितना तक डिवाइडर है उसको हम लोग कम्प्लीटली इंस्टॉल कर रहे हैं, अभी शुरू हो गया। अभी सर जैसे कि अभी समर सीजन आ रहा है, मॉनसून का सीजन भी आ रहा है, तो ऐसे में फ्रीक्वेंट लाइट जब भी लैंडस्लाइड वगैरह होता है दूर दराज इलाके में हमें आलो टाउन में बराबर देखने को मिलता है, क्या उस चीज से, ऐसे डिजास्टर चीज से हमारे जो स्ट्रीट लाइट आप लोग लगा दे रहे हैं पूरे जनता के लिए इसको कोई फर्क पड़ने वाला है या नहीं पड़ने वाला है? इसका जरूर फर्क पड़ेगा, इसलिए हम लोग सोलर सिस्टम कर दिया।
क्योंकि हम लोग का जो सोलर सिस्टम, इसमें फ़ायदा है कि अभी जो हम लोग जो लाइट है उसको सप्लाई जो आता है उससे करने से हम लोग का काफ़ी दिक्कत होगा, क्योंकि उसको कौन बिल भरेगा, ये भी एक बहुत ये सोचने वाला बात है, क्योंकि पावर डिपार्टमेंट को बिल देना पड़ेगा जो भी इधर में ये करने से। इसलिए हम लोग वन टाइम्स इन्वेस्टमेंट में हम लोग पूरा कर दिया है कि बिल देना नहीं पड़ेगा, हम लोग का आराम से चलते रहेगा इसी तरह। तो सर अभी जो आलो का मेन रोड है, हाईवे, ये अभी सुनसान पहले की तरह रात को अंधेरे में नहीं होगा, उजाले में होगा, इससे लोगों को सेफ्टी पर्पज ऑफ व्यू में भी अगर देखा जाए तो किस तरह का फायदा मिलने वाला है, और इसके अलावा कौन कौन से फायदे मिलने वाले हैं, क्या लगता है लोगों को कितना राहत मिलेगा सर इसका? सबसे पहले अपना आलो एक सब डिस्ट्रिक्ट से सुंदरता एक सबसे पहले अच्छा में गिना जाएगा, और उसके बाद ये जो हम लोग का अभी जो रात को जो जो भी हो सुविधा काफ़ी होगा, और प्लस एक यहाँ में जो पब्लिक का डिमांड था, पब्लिक का जो सोच था, इसमें स्ट्रीट लाइट होने से ठीक था, वो सब अपना अपना हिसाब से फ़ायदा हो जाएगा, जो दुकान खोलने वाला भी आसान हो जाएगा, और ये यहाँ में जो ये रास्ता अंधेरा था वो भी उजाला होने से सबके लिए फ़ायदा है, अच्छा है, आपका एक बहुत सा बेनिफिट होगा, अपना अपना तरीका से वो बेनिफिट मिल जाएगा, वही है। थैंक यू। थैंक यू सर। सर आपसे एक ही सवाल पूछना चाहूँगा सर, जैसे कि आप पावर डिपार्टमेंट से, तो अक्सर देखा जाता है जब बाकी नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई का जो जहाँ पे पोल होता है, जहाँ पे मशीनें होती है, उनसे दूर रहने के लिए कहा जाता है पब्लिक को, ताकि खतरों से बच सके, किसी भी तरह का दुर्घटना ना हो। सर ये जो स्ट्रीट लाइट लगने वाला है पूरे डिवाइडर में आलो टाउन के बीचों बीच से होकर जाने वाला है, क्या इनमें कुछ ख्याल रखने की चीज़ें हैं, लोगों को बचने की चीज़ें हैं, या फिर इसका कुछ ख्याल रखने की चीज़ें एज ए पब्लिक सर? हाँ, इसमें एक आपका इलेक्ट्रिकली आपका कोई एक्सीडेंट होने का चांस नहीं है, अभी जब तक हमारा बैटरी का लाइफ होगा और ये बाकी पैनल का लाइफ होगा वो लाइट चलते रहेगा, तो इसमें हमको जिस तरह से इलेक्ट्रिसिटी से जो ये आपका स्ट्रीट लाइटिंग करने का वो उसमें अंदर ग्राउंड करना पड़ेगा, और एक्सपेंडिचर भी ज़्यादा है उसमें, और जो जिस तरह से पार्टीशन जो अभी जो करके रखा है, डिवाइडर जो करके रखा है, और यहाँ में प्लांटेशन करके रखा है, ये भी बर्बाद हो जाना था। अब इसलिए हम लोग बार बार तो फीडबैक हम लोग दिया है कि ये सोलर में करना पड़ेगा, और ये बहुत हाई क्वालिटी वाला ये है सोलर हम लोग का, ये क्या है इसमें लास्टिंग भी बहुत होगा, और इसमें कंपनी वाला भी आके, इसलिए उन लोग टेक्नीशियन लोग आके कर रहा है, तो जिस तरह से हम लोग जहाँ में कॉमनली जो मिलता है आपको 7.5 का जो कुछ कुछ मिलता है वो कम दाम का मिलता है, वो नहीं, बहुत हाई क्वालिटी का, और इसमें पब्लिक के सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए उसमें बहुत ये होगा, जैसे कि कभी कभी लाइट समर का सीजन में चला जाता है तो हम लोग सारा जगह अंधेरा रह जाता है, तो इसमें बहुत दुख होता है डिपार्टमेंट भी और पब्लिक भी वही महसूस करता होगा। अब इसमें एक्सीडेंट वगैरह होने का ये कुछ चांस नहीं है, और हमको उसको कोई बच्चा नहीं है कि गेचिस मारेगा उसको या लेडी को, अभी बहुत लास्टिंग होगा हम लोग के लिए बहुत, और एक्सीडेंटल पॉइंट ऑफ व्यू में कुछ है होगा ही नहीं है, बहुत अच्छा होगा ये हम लोग के लिए, बहुत काम का होगा। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।